अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज कराची में आज मेरी लास्ट नाइट है और पैकिंग वगैरह कर ली है हमने, वो भी आपको दिखाती हूँ अभी। और मैंने सोचा चलो, अम्मी कह रही थी कि मीठे में कुछ बनाया, तो मैंने सोचा चलो मैं कस्टर्ड बना लेती हूँ, उनको पसंद भी है और उसमें मतलब फ्रूट केक वाला कस्टर्ड वगैरह बना लेते हैं। और सब लोग आए, मुझे लास्ट नाइट सब लोग मुझे पार्टी दे रहे हैं। जब मैं आज थी फिर भी सबने मुझे पार्टीज दी थी और अभी जा रहे तो फिर भी सब लोग दे रहे हैं। तो मतलब उनकी एक कोशिश है मेरे अब्बू की, मेरे भाइयों की, कि मतलब बेटी है भाई तो खुशी खुशी अपने घर पर जाए ना। तो बहुत मज़ा आया यहाँ पर मुझे और बहुत अब अजीब सा लग रहा है वापस जाते मैंने जाने में ना, अब बहुत मुझे दुख हो रहा है। मतलब कि इतनी एक्साइटमेंट पंजाब जाने की नहीं होती जितनी यहाँ पर आने की होती है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश तो यही है कि जल्द अज जल्द मैं यहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँ ना कराची में, क्योंकि वहाँ पर इतना मुझे अच्छा नहीं लगता पंजाब। और ये देखें, ये मेरी सिस्टर ने मुझे दिया है और उसने बोला कि ये पहन के रखना है, ये नज़र के लिए होता है। मतलब काला धागा पहन लो हाथ पे या फिर यहाँ मसल्स पहन लो, तो इससे ना नज़र नहीं लगती बंदे को, और अक्सर मेरे सर में दर्द रहता है। तो उसने कहा आप नज़र के लिए ये पहना करो, तो ये मैं आप पहन के रखूँगी। और मेरे भाई ने मुझे कपड़े सी के दिए, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो लेकिन सबसे पहले हम लोग जाते हैं किचन की तरफ और देखते हैं वहाँ पर क्या बन रहा है हमारे लिए और आज मैंने क्या बनाना है, ठीक है? तो चलते हैं किचन की तरफ। और ये साथ ही जोया खाना बना रही हैं, मेरी छोटी सिस्टर। ये हम सबके लिए खाना बना रही हैं और कुछ खाना बाज़ार से आएगा। और अदरक कूट रही जोया, जोया थोड़ा सा कम आवाज़ रखो अदरक कूटने का। और इसके साथ मैं यहाँ पर बनाऊँगी कस्टर्ड। दूध उबल गया, दूध में रख के गई थी और दूध उबल गया, इसके बाद ये है कस्टर्ड, अफान कस्टर्ड है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। अब दूध उबल गया, इसके अंदर ये कस्टर्ड मिक्स करके डालना। बिस्मिल्लाह पढ़ो। मैंने बिस्मिल्लाह से पढ़ ली थी। क्या बना रही हो? कस्टर्ड बना रही हूँ। तो अब बिल्कुल कस्टर्ड मेरा रेडी हो गया। अब इसको मैं एक बर्तन में डाल लेती हूँ, जिसके नीचे मैंने ऑलरेडी फ्रूट केक डाले हुए हैं, और ऊपर कस्टर्ड डाल के इसको फ्रिज में रख देना थोड़ा सा ठंडा करने के बाद। खाना तैयार होने तक ये भी तैयार हो जाएगा, हमारा कस्टर्ड भी। जब तक हम लोग थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट कर लेते हैं। और ये है शाम की चाय और समोसे। खाना बनने में थोड़ी सी देर थी तो सबने कहा चलो पहले चाय पी लेते हैं शाम की, और उसके बाद फिर पार्टी सबकी तरफ से, ठीक है? और सारा लंगर पानी आपको दिखाएंगे आज के व्लॉग में। तो अभी मैं कमरे में आई खाना खाने। तो खाना तैयार है, ठीक है? ये शीशा ये कांटों के बगैर और दस्तरखान लग रहा है, अभी आधा लग चुका है। मैं खा सकता हूँ? खाओ खाओ जो दिले खाओ। आई मैं आ जाओ जल्दी से। उसमें क्या है? उसमें रोटी पड़ी हुई। तो ये कस्टर्ड भी तैयार हो गया, आगे ठंडा हो गया। चमचा बड़ा ले आओ ना कस्टर्ड। मैं थोड़ी देर बाहर बैठ के कस्टर्ड बना के लेके आऊंगा। फाइनली हमारा खाना पीना हो गया। अब तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन मैं इतना ज़्यादा कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि आज लास्ट नाइट थी और इसलिए बैक टू बैक चीज़ें काफ़ी होती गई और कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ क्या ना करूँ। एक तो फरमाइशें इतनी ऊपर से, फिर सबकी पार्टी और फिर उसके। तो मैं शाम की चाय का छोटा सा पीस मैंने शूट तो किया था और मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर ना, तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ थोड़ा सा ये भी लोग शेयर कर दूँ एंड पे क्या होता है। और आज सब लोगों पर सन्नाटा छाया हुआ है, सब लोग टाइम से ऐसे हो गए, तो आधी रात तक डेढ़ बजे तक गप्पे होती रहती हैं, तो हंसते खेलते रहते हैं। और आज सब लोग ना थोड़े से शांत हुए हैं, सन्नाटा सब छाया हुआ है, सब लोग सो गए आज पहले ही। तो अब मैं फाइनली आपको कपड़े दिखाती हूँ जो मेरे भाई ने मुझे सी के दिए हैं। तकरीबन यहाँ पर आने के हफ्ता बाद जिसको लेके दिए थे, मतलब अम्मी ने सूट लेके दिया था उसको कि ये ना आपके को सी के देना, तो उसने क्या किया आज मुझे सी के दिया है एंड वाले दिन पे जाके। और अभी बैठ उसने मेरी शलवार सिलाई की है, ऐसा वो काम चोर मतलब क्या बोलते हैं वो घर का पीर हो रही होता है वो हिसाब है। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि समझे कलर देखें, कलर तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हमने देखे हैं जी, और प्रिंट भी बहुत अच्छा है ये देखें। अभी भी ये ना अधूरा है थोड़ा सा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसकी ना ये डोरियाँ लगने वाली हैं, ठीक है?
ये डोरियाँ से बना के रखी हैं, खुद अभी 12:30 हो गए, खुद वो साहब ज़्यादा बाहर बैठे हैं, कह रहे हैं मैं अभी ना आग लगा लेता हूँ। तो ये डोरियाँ लगने वाली हैं और इसके साथ फिर ये शलवार बनाई उसने, तो इसके साथ ही शलवार उसने बनाई है, ठीक है। तो पहले पता नहीं क्या कह रहा था कि मैं एक नई शलवार का डिज़ाइन ना कर रहा हूँ और ट्राई, और मैं आपकी शलवार भी करूँगा। वो खैर उसने 3 बार खोल के बंद करके फिर दोबारा से किया, तो मैंने ना उसको बाजू भी इस तरह के बोले थे, लेकिन वो थोड़े से डिफरेंट होते थे, यहाँ से ना स्ट्रेट करके और यहाँ से यूँ सर चुनते और आगे से भी चुनते डाल के, और उसने जल्दबाजी में ना ऐसे कर दिया। लेकिन मेहरबानी मेरे भाई की, कोई बात नहीं होता। लेकिन सिया बहुत अच्छा है और वो लेडीज़ टेलर है वैसे भी ना, माशाल्लाह वो लेडीज़ टेलर है। अल्लाह पाक उसको जल्द अज जल्द मजीद तरक्की दे मेरे भाई को, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ ही करते हैं वीडियो को एंड, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, 1 बज चुका है रात का, या बजने वाला होगा तकरीबन। तो सुबह भी मैंने, क्योंकि जल्दी उठना है और तैयारी करनी है, 12 बजे की ट्रेन है, मतलब 12 बजे ट्रेन चल जाएगी, तो 10:30-11 बजे हमें वहाँ स्टेशन पर पहुँचना होगा। और सुबह के फिर मैंने व्लॉग स्टार्ट करना है और यहाँ से ले के पंजाब की जर्नी आपके साथ शेयर करनी है, और नींद मुझे आ रही है, तो इसी के साथ ही व्लॉग करते हैं। कैमरा मैन थक गया और मेरा कैमरा मैन भी थक गया, ठीक है। तो ठीक है, फिर अपना और अपने जवानों का बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना आपने, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।